ऑक्सीजन की जगह हमें धुआं अंदर ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। खांसी हो रही है, गले में जलन हो रही है, उसकी वजह से काम भी नहीं कर पा रहे। डीजी का ऑर्डर बंद करने के लिए कह दिया, लेकिन उसका कोई सलूशन हमें नहीं दिया। दिवाली के नेक्स्ट डे से बच्चे खेलने के लिए नहीं निकले। ये धुआं इसलिए है कि आपने बसें जो लानी थी वो बसें नहीं लाए, आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रदूषण के उपाय करने के बजाय दोषारोपण पे लगे हैं। मैं हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं, इसका रोल प्लेयर पंजाब है। कितने साल तक दिल्ली के लोगों को, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को ये जहर का धुआं पीना पड़ेगा, केंद्र सरकार को बताना चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आपके जहन में भी आया होगा, जैसे कि मैंने भी महसूस किया, सरकारों का काम हमें और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है, हल प्रोवाइड कराना है, ना कि सवाल पूछना जो हम और आप ही पूछ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, जहां पर सांसें क्रेडिट कार्ड की ईएमआई की तरह हो गई। दिल्ली एनसीआर की जनता सरकार से पूछ रही है कि जहरीली हवा में कब तक सांस लेना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। बारिश के बावजूद प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस लेवल पर। ये दिल्ली वालों के लिए आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले रहे हैं। राजधानी दिल्ली में AQI 625 पहुंच गया, कई जगह तो ये 900 के पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम और नोएडा में तो हाल और भी बुरा है, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, लेकिन सियासत फिर भी अपने चरम पर है। दिल्ली के नेता हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो हरियाणा के नेता पंजाब पर, और इस सब के बीच पिस कौन रहा है? हम और आप, यानी इस देश का आम आदमी। एक नेता तो यहां तक कह गए कि पराली से प्रदूषण नहीं होता है, सरकारें यज्ञ करवा लें, भगवान को प्रसन्न करें, इंद्र देवता को प्रसन्न करें ताकि बारिश हो। चाहे वो अरहर की दाल है, चाहे वो उड़द की दाल है, चाहे वो मूंग की दाल है, वो सारा एक प्रकार से उसको दाल और गन्ना छीलने के बाद में कूड़ा हो जाता है, तो उसको जलाने की प्रक्रिया हमेशा होती रही है। और जब वो जलेगा तो वो थोड़ा बहुत धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण से नहीं ज्यादा होता, वो तो प्राकृतिक और सिस्टम किसान का है। तो उसको लेकर के जो हमला हो रहा है ये बिल्कुल दुखद है, इस पर विचार करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जितना ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है, तो जो हमारी परंपराएं थी यज्ञ करने की, गाँवों में परंपराएं थी, तो सरकारें भी इस काम पर यज्ञ कराए और भगवान देव इंद्रदेव को मनाए, वो बरसात करे, वो सारा ठीक कर देंगे, अपना आप ही ठीक हो जाएगा। हम लोग जब वॉक करने के लिए आते हैं सवेरे, फ्रेश एयर के लिए आते हैं, ऑक्सीजन लेके लिए आते हैं। अब ऑक्सीजन की जगह हमें धुआं अंदर ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो ये बात है कि आपको अब घरों में लोग बाग ऑक्सीजन जनरेटर लगा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उनको ड्यूटी नहीं होती उनसे, और गले में जलन होती है पोल्यूशन के कारण से। और मेरे को भी मेरे घर वालों ने बोला मास्क लगा के रखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, खांसी हो रही है, गले में जलन हो रही है, उसकी वजह से काम भी नहीं कर पा रहे। 5-6 साल से देख रही हूँ, साल दर साल प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, सरकार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पहले से कोई भी सरकार की व्यवस्था नहीं होती है। डीजी का ऑर्डर बंद करने के लिए कह दिया, लेकिन उसका कोई सलूशन हमें नहीं दिया। अब डीजी साइड से जो लाइट हमारे रेजिडेंस के फ्लैट्स में जा रही थी वो जाना बंद हो गई है। अब क्या होता है, जो लाइट जाती है तो हम लोग अंधेरे में बैठ जाते हैं, इसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बच्चों पे असर, हम पे असर, हम कुछ दूसरी चीज़ जो सोचे जो कुछ कर नहीं सकते, बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। दिवाली के नेक्स्ट डे से बच्चे खेलने के लिए नहीं निकले। तो नेता जी कह रहे हैं इंद्र देवता को प्रसन्न कीजिए, तो फिर अगली बार वोट भी इंद्र देवता को ही दे दीजिएगा। कई
रिपोर्टर्स मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में हैं। कपूरथला से हमारे साथ वज्म वर्मा है, रूफी जैदी को आप देख पा रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ हैं, और पीयूष नोएडा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले कपूरथला का रुख करती हूँ वज्म, लगातार सियासत हो रही है, पराली जलाने को लेकर सियासत हो रही है, आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। कपूरथला में ग्राउंड पर क्या तस्वीरें हैं और लोग क्या कह रहे हैं? अदिति, सबसे पहले क्योंकि सियासत की हो रही है, पिस कौन रहा है? वो पिस रही है आम जनता। आम जनता से ही पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। जलंधर में इस वक्त 200 के करीब जो है वो एयर क्वालिटी मीटर जो है वो पहुँच गया है। अगर पंजाब की ही बात की जाए तो आसपास के इलाकों में, अगर जलंधर की बात की जाए 200, अगर साथ ही हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं लुधियाना तो 342। इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहीं से जब पराली जलाई जाती है कि यही जो सोर्स है, क्योंकि आसपास तो असर करेगा ही लेकिन जो सोर्स है वहाँ पर भी असर ये बहुत ज़्यादा करता है। इसके लिए हमारे साथ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं सच बोलेंगे और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर पराली जब जलाई जाती है उसका असर बाहर तो होता है लेकिन यहाँ पर कितना असर हो रहा है? आपको तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो नहीं हो रही, खैर, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है, फर्क तो पड़ रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से, मतलब क्या हेल्दी मेजर्स, हेल्थ के अनुसार किस तरीके से देखा जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, किस तरीके से? क्योंकि सुबह भी हमने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो वो स्मोक थी, फॉग भी नहीं थी, स्मोक थी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है वैसे तो, फॉग तो था सुबह यहाँ पे। आपको लगता है कुछ ना कुछ तकलीफ यहाँ पर जो है वो लोगों को हो रही है, आपको हुई लगती है? लोगों से ये पूछिए, दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, हरियाणा में बैठे हुए जो लोग हैं, वो लगातार पंजाब को दोष दे रहे हैं, वो पराली जलाने पर दोष दे रहे हैं, क्या इन लोगों को भी लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में बैठे लोग, हरियाणा में बैठे लोग जो है वो पंजाब पर उंगली उठा रहे हैं कि पराली यहाँ जलाई जा रही है जिसकी वजह से तकलीफ होती है, आप किस तरीके से देखते हैं इस पर रोक लगनी चाहिए? सरकारें जो है वो काम कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, क्योंकि दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए, पॉलिसीज भी चेंज की गई, आप किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली सर, इस चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि पानी का छिड़काव होगा टाइम टू टाइम, बट सर कुछ जगहों किया जा रहा है जहाँ पर VIPs वगैरह है वहाँ पर ही इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ पर उनका नहीं आना जाना है VIPs वगैरह वहाँ पर कोई वो नहीं दिया जा रहा। अच्छा, VIP कल्चर जो है आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको लगता है सरकार जो है वो कुछ कर रही है जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? डिसीजन तो ले रही है पर उसको फॉलो अप थोड़ा लेट किया जा रहा है। ठीक है, डिसीजन लिए जा रहे हैं, फॉलो अप थोड़ा लेट किया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी बता दें हर जगह कटघरे में सरकार ही खड़ी दिखाई दे रही है। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें करीब 12 बजे की हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 12 बजे, दिन के 12 बजे की तस्वीर है। इतना ज्यादा अंधेरा, इसीलिए हम कह रहे हैं ये आपातकाल है, ये इमरजेंसी है और ब्लेम गेम की गुंजाइश नहीं है जो इस समय दोषारोपण हो रहा है। देखिए जरा दिल्ली का प्रदूषण मीटर आप देखिए, 707 AQI, गाजियाबाद का ये AQI, और ये गाजियाबाद की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर बताने के लिए काफी कि कल आप जिस राहत की उम्मीद लगाकर बैठे थे वो राहत नहीं मिली, बावजूद इसके कि हल्की बारिश हुई। दिल्ली का AQI मीटर देखिए अब आप, 625। अलग अलग इलाकों में इस वक्त क्या हालात हैं लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे कई सहयोगी साथ में। रूफी जैदी का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली का AQI मीटर भी हमने आपको दिखाया। रूफी जैदी, आपके पीछे भी बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई नहीं दे रही, गाजियाबाद में तो तस्वीर डराने वाली है, दिल्ली में लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके पीछे में बहुत सारे लोगों को भी देख पा रही हूं, उन्हें किसकी गलती नजर आ रही है, सोल्यूशन क्या है? अदिति, सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, मैं राजपथ पे मौजूद हूँ और यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, और अगर दूसरी तरफ की बात की जाएगी तो वहाँ पर 500 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं वो इस प्रदूषण के आपातकाल से बेहद परेशान हैं। आपको क्या हो रहा है बेबे, क्या हो रहा है बेटा आपको? मुझे बुखार आ रहा है। सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आपको, और आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस हालात के लिए?
ये हम सभी जिम्मेवार हैं। वैसे जैसे आ रहा था तो मैं वापस लौट रहा था वेदर को देख के, लेकिन मेरे विशेष ने बोला चलो अभी घूम के अब बाहर आए हैं तो आ जाते हैं, लेकिन वेदर इस टाइप का है नहीं जो हम बाहर निकल सके। मैम बाहर तो आ गए लेकिन अब लग रहा है कि शायद गलती कर दी। हाँ जी अब तो लग रहा है क्योंकि घर में पता नहीं चलता है कि मौसम कैसा है, अब बाहर आए तो लग रहा है गलती के जो घर में रह जाते आना नहीं चाहिए था इधर, क्योंकि मौसम धीरे और खराब होते जा रहा है। सुबह में वेदर ठीक था लेकिन अभी देखो तो ज्यादा ही खराब हालात लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं, गले में खराश महसूस हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नींद आने वाली है और मेरे गले में भी थोड़ी परेशानी हो रही है, आंखों में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। आपको क्या क्या तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैडम यहाँ पे जो है प्रदूषण का वातावरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब ये समझ लीजिए यहाँ से 200 मीटर करीब इंडिया गेट है, दिखाई नहीं, गले में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन कुछ, हाँ आंखें में जलन में रहे, अंदर जो है सांस लेते हैं तो गले में दिक्कत आ रही है, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैम आंखों में इंचीनेस हो रही है काफी ज्यादा, मतलब जलन हो रही है हमारी आंखों में, और जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ गले में जलन होने लग जाती है, भारी भारी हो जाता है, जैसे मास्क उतारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फ्यूम्स इतनी सारी अंदर चली गई है गैस हमारे अंदर, बहुत ही गंदा हालत हो रही है, लग रहा है जैसे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, क्या तकलीफ आपको महसूस हो रही है? मैडम जी मेरे को तकलीफ है सांस गले में अटकने में, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और आंखों में इतने आंसू निकल रहे हैं कि अब मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। अगर देखो आप कितना प्रदूषण है दिल्ली शहर के अंदर, जो भी है जो हमारी जो पंजाब की सरकार है या हरियाणा की सरकार है जो जला रही है, वो जो किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और दिल्ली में आके जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और मैडम इतनी पब्लिक को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ मैडम बहुत जी। अदिति मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि पब्लिक की तकलीफ हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और नेता एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। पीयूष आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, आप जहां पर खड़ी हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफें, और साथ ही ग्राउंड पर क्या तस्वीर, क्योंकि थोड़ी देर पहले गाजियाबाद की तस्वीर हमने दिखाई, अंधेरा छाया हुआ है, नोएडा में क्या हालात है? जी अदिति पहले तो ये सोचा जा रहा था कि बारिश होगी तो हालात थोड़े सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो और भी ज्यादा ट्रिगर हो चुके हैं। कल जो हालात थे उससे भी ज्यादा AQI बढ़ चुका है नोएडा में। लोग बता रहे हैं कि हमें किस तरह की दिक्कत है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोगों से तो हमने पूछा ही है, मैं खुद यहाँ ग्राउंड पर खड़ी हूँ और मेरे लिए भी पूरी तरह से आंखें खोलकर बोल पाना मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा प्रदूषण है यहाँ पर इस वक्त। फिर भी हम लोगों से बात करते हैं, देखिए जितने भी आप आसपास लोग देखेंगे मास्क तो सबने लगा ही रखा होगा, उसके बाद हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि मास्क आपने लगा रखा है, प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, किस तरह की तकलीफ हो रही है? यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आंखों में जलन सी हो रही है बहुत ज्यादा ही। हमारे रिलेटिव आए हुए हैं कलकत्ता से, मैंने घुमाने के लिए लाया हूँ, ये मुझे कह रहे हैं घर ले चलो, कहाँ ले आए मुझे घुमाने के लिए। रास्ते में 10 लोगों ने हमसे पूछ लिया मास्क कहाँ बिक रहा है, मास्क कहाँ बिक रहा है। आप हैं इनके रिलेटिव, आप आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली में प्रदूषण इतना है तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, अब क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं करता हूँ दिल्ली सरकार को और दिल्ली को प्रणाम कि जितना जल्दी हो सके हम लोग गांव जाना चाहते हैं, कि इसलिए कि हमारे 5 तारीख का टिकट है, मैं जा भी नहीं सकते, कन्फर्म है, बच्चा भी है छोटा छोटा, लेकिन हम लोग इतना तबीयत खराब हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है कि हम मैंने सांस लेना भी मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि लगता है कोई आंखों में मिर्ची वाला पाउडर डाल दिए, यही हम लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है कि दिल्ली का सरकार को तो इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि पॉल्यूशन इतना खराब हो रहा है कि इसके थोड़ा नजर आए कि इंसान मतलब कुर्सी से ज्यादा इंसान का जिंदगी का सवाल है, जिंदगी के ऊपर सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, ये दिल्ली का बहुत खराब सिस्टम है। हाथ जोड़ लिए दिल्ली से, दिल्ली सरकार से पूरी तरह से हाथ जोड़ लिए लोगों ने, अब उससे ज्यादा क्या कहें। और आप ये बताइए कि जब प्रदूषण इतना है बाहर फिर भी जा रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं कि घर में रहें फिर भी बाहर निकलना पड़े? आप घर में रह के अपनी जरूरतें तो पूरी नहीं कर सकते ना, और हर चीज तो घर में बैठ के नहीं कर सकते, तो आपको बाहर निकलना मैंडेटरी है, बाहर निकलिए। लेकिन ये सब चीजें ये नहीं कि इसी साल हुई है, पिछले कई सालों से ये होते आ रहा है, तो सरकार को गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कोई ठोस कदम ले। सरकार कैपिटल भी है इंडिया का, ये ऑलरेडी दो सरकारें यहाँ पे चल रही है, कैपिटल की और एक स्टेट की। क्या चाहते, क्या सरकार करे ठोस कदम में, सरकार को करना क्या चाहिए, आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे? आर्टिफिशियल बारिश ही करा दे, कम से कम इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा उससे। आर्टिफिशियल बारिश हो जाएगी तो फिर थोड़ा तो कम से कम एक दिन या दो दिन में कंट्रोल में आ जाएगा,
अभी ऐसा है रूफी से भी करना चाहती हूँ। लोगों के पास अपने अपने सोल्यूशन हैं, पर क्या सरकार के पास इन सोल्यूशन की तरफ ध्यान देने का वक्त है? क्या सरकार उन्हें लेकर संजीदा है? और यहाँ पर मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रदूषण एक ग्लोबल समस्या है और इस समस्या को काउंटर करने के लिए दुनिया एक साथ आ सकती है, तो हिंदुस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्यों साथ नहीं आ सकती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रूफी जैदी, कुल मिलाकर पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या कह सकते हैं आज का दिन, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप गुरुग्राम में हो, चाहे नोएडा में हो, चाहे आप गाजियाबाद में हो, या फिर आप राजधानी दिल्ली में हो, पोल्यूशन के लिहाज से क्या हमने इससे वर्स्ट कभी देखा है? आज जो अदिति हालात हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं, और आज का जो हाल है वो ऐसा है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर मुश्किल हो गया है खड़े होना। जब आज सुबह मैंने मौसम वैज्ञानिक से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो हल्की बारिश कल रात को हुई और जो आज सुबह हुई उसकी वजह से हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि मिस्ट और पोल्यूशन मिला और स्मॉग की जो चादर है वो पूरे दिल्ली NCR पर छा चुकी है, और अगले 24 से 48 घंटे में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जो हवाएं हैं वो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन इससे फिलहाल धुआं, ये जो पूरी धुंध है, जो स्मॉग है, वो नहीं छटेगी। इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा, जब तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह पर अच्छी बारिश नहीं होती, और अनुमान ये लगाया गया है कि वो बारिश शायद 7 तारीख को होगी, और तब तक आपको, हमको और तमाम लोगों को इसी दिल्ली की घुटन में घुटना पड़ेगा और सांस इसी जहर में लेना पड़ेगा। अदिति, शुक्रिया रूफी जदी आपका, पजमा आपका और साथ ही पीयूषा आपका इन तस्वीरों के लिए और लोगों की बात हमारे दूसरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसे हालात हुए, हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन सरकारें फिर भी पूरे तरीके से तैयारी नहीं करती। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे, आप एहतियात करें।